गुड मॉर्निंग, बज गए हैं सुबह के एग्जैक्टली 5:30 भाई साहब। और आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि हाउ टू हैव अ ह्यूज सेल्फ एस्टीम गाइस, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ ब्यूटिफुल लाइफ। देखिए, कॉन्फिडेंस आप चार लोगों में कॉन्फिडेंट फील करते हैं अक्सर, ओके? यू कैन फेक योर कॉन्फिडेंस, बट जब आप अकेले होते हैं तब आपको अपनी सेल्फ एस्टीम, या मैं बोलूं सेल्फ वर्थ, या आप अपनी खुद की नजर में क्या है, आपकी अपनी खुद की नजर में क्या वैल्यू है, उसको हम लोग सेल्फ वर्थ बोलते हैं। तो एक बार आपका कॉन्फिडेंस चार लोगों में झूठा हो सकता है, बट भाई साहब जब आप अकेले एक कमरे में बैठे हो तब आपकी सेल्फ वर्थ ही सब कुछ होती है, क्योंकि तब आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। कॉन्फिडेंस जो होता है वो अक्सर आप अपने गोल्स से रिलेट कर सकते हैं, या आपका जो काम करते हैं आप उसमें कितने सक्षम हैं, वो चीज़ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम अक्सर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स, हाउ आप दूसरों के साथ कैसे हैं, दूसरों के साथ आप किस प्रकार महसूस करते हैं, इस चीज को मैं सेल्फ एस्टीम का नाम दूंगा। मेरी लाइफ में ऐसे 3-4 बहुत बड़े इंसिडेंट्स हो गए थे जहां पे मैंने अपनी सेल्फ वर्थ, मेरी अपनी आंखों के सामने और खुद अपने हाथों से रौंद के रख दी थी। डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। जब आप किसी और को बेग करते हैं कि हमसे बात कर लो, या कोई इंसान जब हमें रिजेक्ट कर चुका होता है फिर भी हम बार बार उनसे जाके यही बोलते हैं कि प्लीज़ पट जाओ, या खुद अपने आप का कटवा, टू ट्राई टू मेक समवन लव यू। प्लस मैं अक्सर ना अपने दोस्तों से बिल्स वगैरह पे करा लेता था, या उधारी मांग लेता था। आई वॉज वेरी लेस अकाउंटेबल अबाउट मनी ऑल्सो। अब मुझे रियलाइज होता है कि उस समय मेरी सेल्फ इस्टीम को ठोस पहुंचाने वाला, चोट पहुंचाने वाला, सेल्फ इस्टीम ख़त्म करने वाला वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहा है। आपके अंदर का डेस्परेशन आपकी सेल्फ इस्टीम को खींचता है। ये चीज़ें हम लोग कॉन्शियसली नहीं डिसाइड कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। देखिए, मेरा मॉर्निंग में थोड़ा स्लो ही चलता है, मैं बात करते वक्त, फिर शाम होते वक्त तो भाई साहब कभी कभार तो गालियां चल जाती हैं। बचपन में ज़रूर अपने लिए एक ऐसे सपने देखे हैं, होते हैं, जो हम लोग उस समय उस पर पूरा भरोसा होता है, उस पर भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा होता है कि हम लोग वो चीज़ ज़रूर कर देंगे। हमारी जो वर्थ होती है हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में, हमारे आँखों में, वो उस समय इतनी हाई होती है कि हम लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं बचपन में। बट धीरे धीरे बड़े होते होते, यू नो, जब आपको आपके खुद के माँ बाप दूसरों से कंपेयर कर देते हैं, आपके टीचर्स गलती से अनजाने में आपको मोटिवेट करने के लिए कंपेयर करते हैं, बट उस समय आप थोड़े पेसिमिस्टिक हो जाते हैं कि टीचर बोलती है ये देखो टॉपर, इसके इतने मार्क्स हैं, ये देख लेना सब कुछ कर जाएगा, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, ओके। योर पेरेंट्स स्टार्ट कंपेयरिंग यू टू अदर चिल्ड्रेन अराउंड यू, आसपास के बच्चों से कि देखो इसके लड़के के इतने हैं। अरे आज भी मैं आपको बताता हूँ,
आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी जॉब राइट नाउ, आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग ऑन माई ओन. लेकिन अभी भी मेरे आस पास में मेरी जान पहचान में मेरी मम्मी को या मेरे पापा का तो नहीं बट मेरी मॉम या मेरे बाकी के रिलेटिव्स, उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब एक्चुअली मॉम भी थोड़ा सपोर्ट में बट कुछ रिलेटिव्स हैं. तो वो जब ये चीज़ नोटिस करते हैं ना कि आसपास जॉब लग गई है मेरी नहीं लग रही है, अरे मुझे जॉब लेनी ही नहीं है, हाँ तो मुझे क्यों उससे कंपेयर करके मेरी नज़रों में मुझे गिनाना चाहते हो. खुद तो आज तक अपने तुम लोग खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे हो. यू आर सर्वाइविंग, यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ ब्रो. ठीक है, दैट इज माई डिफरेंट फ्रस्ट्रेशन एंड डिफरेंट लेवल ऑफ एंगर. लेट्स नॉट गेट इन टू इट. आई विल गेट इन टू इट समडे व्हेन आई एम एक्चुअली पिस्ड ऑफ. तो यू नो स्लोली जब आपको ऐसे कंपेयर कर देते हैं, आपके ऊपर मिट्टी डालते रहते हैं, ओके, तब आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ इस्टीम को अनजाने अनजाने में रिड्यूस कर देते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ कम कर देते हैं. और एक चीज़ होती है, धीरे धीरे हम लोगों को अपनी खुद की जो फालतू का एजुकेशन सिस्टम है वो कठिन लगने लगता है. उसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि हम लोग जब यही नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या खाक हम लोग अपना सपना पूरा कर पाएंगे. ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ओके, फिर हमें कोई ना कोई लड़की या कोई लड़का पसंद, लड़की पसंद आ जाती है, तो हमें कोई ऑपोजिट सेक्स बेसिकली पसंद आ जाता है, उस वो हमें वैलिडेट नहीं करता है, वो हमें नहीं मिलता है, फिर सेल्फ वर्थ लो हो जाती है, फिर आप बड़ी मुश्किल से यू नो क्लास टेंथ के आसपास थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं बिकॉज यू मेक रियल फ्रेंड्स, यू मेक फ्रेंड्स हु आर पॉजिटिव, ओके, वो आपको आपकी सेल्फ वर्थ हाई करा देते हैं. फिर आप 11th 12th में उनकी स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं, फिर आपका सेल्फ वर्थ कम हो जाता है क्योंकि आप एकदम से नए लोगों के साथ आ जाते हैं. हाँ ये बात अलग है कि अगर आप 10th में ये सोच के आए थे तो कोई बात आपके ऊपर नहीं है. फिर उसके बाद 12th तक हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं वहाँ पे हम लोग, बट बोर्ड एग्ज़ाम आते आते इतना डल होता जाता है सब कुछ, इतना प्रेशर में, इतना नर्वसनेस, इतना सेल्फ डाउट आ जाता है. ओके, बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ पे शुरू होती है. ठीक है, कई बच्चे 12th में एक साल लुढ़क जाते हैं, मुझे ही देख लो. ओके, उसकी वजह से आपको इतना एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना पड़ता है, इतनी एक्सपेक्टेशंस अपनी नहीं अपने माँ बाप की, अपनी इज्जत की इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं दूसरों के सामने कि अपनी नज़र में क्या इज्जत है वो निगलेक्ट कर देते हैं, दूसरों को ही वैलिडेट करते रहते हैं, अपने माँ बाप को इज्जत की परवाह करते हुए कि वो चार रिश्तेदार क्या बोलेंगे, वही सोच सोच के अपने दिमाग और अपना पूरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम सबकी होते हैं. उसके बाद फिर हमें किसी ना किसी प्रकार किसी फिर से रिजेक्शन वगैरह मिलता है, ब्रेकअप होता है, तुमसे अच्छा लड़का मिल जाता है. भाई एक समय की मैं बात बताता हूँ, भाई साहब मुझे एक ऐसी लड़की पसंद आ गई थी जिसके बॉयफ्रेंड के पास जैगुआर थी और मेरे पास अभी कार तक नहीं है. ओके, जब मैं उससे रिजेक्ट हुआ, ओ भाई साहब मैं एक बात बता दूं आपसे, मेरी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम सब तेल लेने चली गई थी ब्रो. दैट वाज हाईली डिवास्टेटिंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. बात सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होती. आई वाज हाईली फ्रेंड जोन, आई यूज्ड टू प्रपोज हर अगेन एंड अगेन. मतलब ब्रो मैं भीख मांग के, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरी सेल्फ वर्थ, सेल्फ इस्टीम सब रॉन दे दी थी मैंने दूसरों के एक्सपेक्टेशंस और फालतू की चीज़ों में. उसको रीगेन करते 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 मुझे इतना टाइम लग गया है कि मैं अब आपके सामने आके खड़ा हूँ और ये सब चीज़ें मैं खुल के बोल सकता हूँ बिकॉज नाउ आई नो व्हाट माय वर्थ इज, व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, माय डियर फ्रेंड. सो अगर आप ऐसे फेज में हैं, प्लीज़ थोड़ा अच्छे से कॉन्शियस रह के डिसीजन लीजिए. ओके, यू नीड टू नॉट सैक्रिफाइस योर सेल्फ. ओके, यू डू नॉट, आपको दूसरे के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. दूसरा अगर बोले आप अच्छे दिख रहे हो
ही आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील होना चाहिए, आपको खुद लग रहा है ना तैयार होते वक्त। इफ यू जैसे मेरे साथ होता है कि मेरी एक टी शर्ट है उसमें ना एक आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वन थिंग आई लाइक इट, बट इफ समवन एल्स टेल्स मी कि ब्रो क्या फालतू फटी हुई टी शर्ट पहनी है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं उसे उतार के फेंक देता था कि यार इसको नहीं अच्छी लग रही, मैं क्यों पहनूं। सो यू नीड टू बी अ नाइस पर्सन बट नॉट बी सो नाइस कि अगला आपकी चला जाए। तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए भाई साहब अपने आप से लड़ना पड़ता है। ओके मेरे को मेरी सेल्फ स्टीम डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद की जिम ने। मैं हर बात का श्रेय लगभग अपने जिमिंग को ही दे देता हूँ, बिकॉज यार जब मेरे सामने वाले एक लिविंग पर्सन ने मुझे वैल्यू नहीं दिया ना, तो मुझे मेरी एक्चुअल वैल्यू भाई साहब इन नॉन लिविंग थिंग इन डंबल्स ने मुझे मेरी औकात का एहसास दिलाया, मुझे मेरी वैल्यू बताई। ओके मेरे आसपास के मेरे कुछ बहुत पॉजिटिव फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बार बार वैल्यू याद दिलाई मेरी। ओके तो आपके पास एकदम पॉजिटिव इंसान होने चाहिए, एकदम पॉजिटिव, हाईली हाईली पॉजिटिव, जो अपनी भी केयर करें और आपकी केयर करें। लिमिटेड लोग हों उनकी लाइफ में, आप एक ग्रुप में अगर आप बंदरों की तरह रह रहे हैं 50-50 लोगों के ग्रुप, सो आप भूल जाते हैं कि आप क्या हैं, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है कभी। सो आपको अपने औकात का एहसास अपने आप को वापस दिलाना पड़ता है, आपको फिर से याद करना पड़ता है कि आपने इतने साल पहले सपना देखा था तो भले ही टाइम निकल गया है लेकिन आप उसे किसी और तरीके से पूरा कर सकते हैं। ओके जैसे एक आदमी है वो स्पेस में जाके आया, ओके बचपन में उसको बनना था एस्ट्रोनॉट, ओके वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाया पढ़ के, लेकिन उसने आगे चल के इतनी फॉर्च्यून बनाई कि भाई आ गया वो स्पेस घूम के। सो देर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स इफ यू थिंक द टाइम हैज़ पास्ड एंड इट इज़ नेवर टू लेट। तो आपको अपनी सेल्फ इस्टीम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत कदम कदम पे लोग आपकी सेल्फ इस्टीम की कोशिश करेंगे। कैसा, आई गिव यू एन एग्जांपल, बहुत से लोग आपसे बहुत जलते होते हैं और वो आपके गले के सांप बन जाते हैं बिकॉज यू आर बेटर देन देम। ओके सो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये लोग अक्सर क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, ये मेरे साथ जिम में हुआ है। ओके सी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कभी भी हर इंसान को एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर सकते हैं, बस अपने कर सकते हैं। अब जब मैं पहले था, मेरे एब्स थे, मैं एकदम लीन था, अब मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम उस समय इतने कमज़ोर थे, यू वर वीक, तुम सूख गए थे, एक्स वाई जेड ये सब। अब मैंने अपना साइज थोड़ा भाई मेहनत करके बढ़ाया, अब बोलते हैं कि तुम पहले अच्छे लगते थे। सो देयर ओपिनियन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू थिंक, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। बस आप क्या सोचते हो ना वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। सो उसी में मैं बोल रहा था कि हाँ जैसे इफ कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ ऐसे सांप पाल लेते हैं आप लोग, जो क्या करते हैं वो आपकी एक वीकनेस पकड़ लेते हैं कि अगर मैं इसको बोल दूं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये आज के लिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ये नर्वस रहेगा और कॉन्शियस रहेगा। ओके तो वो जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी टी शर्ट में तुम मोटे लग रहे हो, ओके तो आप उस पूरे दिन यही फील करते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग नर्वस कि मैं मोटा लग रहा हूँ, मोटा लग रहा हूँ, मोटा लग रहा हूँ, एंड इट रुइंस योर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। तो ऐसे लोग हैं, जाहिर सी बात है अच्छे लोग भी हैं जो आपको बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिवली बोलते हैं कि नहीं भाई कुछ है, वो पहचान आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो आपको थोड़ी देर के लिए नर्वस, कॉन्शियस और आपका कॉन्फिडेंस जब उन लोगों से देखा नहीं जाता है तो वो लोग आपको ब्रिंग डाउन कर देते हैं। सो आपको
बहुत अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बार बार आपको आपकी कमियां याद दिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अभी तक बहुत अच्छे से बियर्ड नहीं आई है, ओके। आई हैव प्लेन स्टबल, अभी तो खैर मैंने कल शेव किया था। मेरी बहुत टाइम तक मैं बिल्कुल क्लीन शेव्ड रहा था, मतलब आई थिंक थर्ड ईयर तक आई वॉज कुछ नहीं आ रहा था, ओके। एंड आई डोंट केयर, दैट टॉट मी मैनी थिंग्स अबाउट लाइफ। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो मुझे एक एक महीने में अक्सर मिलते थे, बट वो मुझे बस यही रियलाइज कराते थे कि भाई देख तू तो अभी तक चिकना है। वो आपको आपकी कमियां ही याद दिलाएंगे, और अकेले में नहीं सबके सामने याद दिलाएंगे। तब आपके ऊपर जाने अनजाने में वो लोग हंसेंगे भी, और इससे आपकी सेल्फ वर्थ को बहुत 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 ठेस पहुंचती है। तो आपको बहुत वाइज रहना होता है, यू नो, बहुत वाइज, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट योर रियलिटी। मेरे पास काफ़ी टाइम अभी तक मेरे पास कार नहीं है, और मैं अभी तक एक्टिवा ही चलाता हूँ, एंड आई लव माई एक्टिवा। तो उसके पीछे भाई साहब मुझे मैंने कई मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे जब भी मिलते हैं, 6 महीने बाद मिलेंगे, 1 साल बाद मिलेंगे, जस्ट टू डोमिनेट मी, और आई डोंट नो व्हाट दे डू, क्योंकि मैं उस जगह नहीं रहा हूँ, मुझे उनकी साइकोलॉजी नहीं पता। भाई मेरे पास जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव अ कूल बाइक, आई डोंट हैव अ कार, दे विल ऑलवेज ट्राई टू रिमाइंड मी दैट आई डोंट हैव अ कार और अ बाइक, बाय अगेन एंड अगेन टेलिंग मी भाई तेरी बाइक तो आई नहीं अभी तक, ओके भाई अब तो बाइक ले ही ले, और दे विल से तूने अभी तक कार नहीं ली, अरे वो थी ना तेरे पास। सो दीज आर द थिंग्स विच विल पुल ऑफ योर कॉन्फिडेंस। हो सकता है कि वो कैजुअली बोल रहा हो सामने वाला, मैं आपको अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं भड़काना चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट सीइंग कि दीज आर द इंसिडेंट्स विच टेल यू कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, और वो आपकी सेल्फ वर्थ डाउट डाउन करता है। सो आपको बहुत ध्यान से इसके अंदर और इसके अंदर और इसके अंदर चीज़ें डालनी होती है, ओके भाई। मिलते हैं कल ज़बरदस्त वीडियो में, ओके गाइज, अभी इतना इंजॉय करिए, बाय।